दोस्तों, बिहार सामने आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस साल में आप लोग पहले बार आए हैं, दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आप लोगों पर डिपेंड करता है दोस्तों। और आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, ये जो है शाम हो गया है, मैं कहीं और बिजी हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज कैसे ना करके आज एक वीडियो बनाना था, लेकिन आने में लेट हो गया और आने के बाद फिर जो है लाइट चला गया था। अभी तो फिलहाल लाइट आ गया है, ठीक है। तो वो एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना था, लेकिन शाम हो गया है, आप लोग देख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से। ये जो है दोस्तों दो मॉनिटर है और तीन बेस है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, तो आप लोग अभी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए क्या उस टॉपिक के ऊपर आज नहीं बना रहा हूँ। और अपना बायलॉग ने जो है दोस्तों बोला था कि आपने जो है पिछली बार ब्लर करके क्यों रखा हुआ था मिक्सर के ऊपर, तो मैं आज इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं करूँगा दोस्तों, छोटा सा वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आज चलो, ठीक है, अभी हम चलते हैं। दोस्तों ये जो है मिक्सर जो है, आप लोग देखा है कि पिछले बार जो है इसी के ऊपर मैं बजा कर ब्लर करके रखते थे दोस्तों। ब्लर का रीज़न जो है दोस्तों आप लोग बता चुके हैं कि वो मेरा हाई गेन था, ठीक है। और हाई गेन दोस्तों मैं इसको क्यों ब्लर किया, उस चीज़ को अभी हम आते हैं। वो जो है मान लेते हैं दोस्तों, मैं ऐसा भी चला सकता हूँ अपना सेटअप के ऊपर, ठीक है। ऐसा जो है दोस्तों मैं हाई गेन भी चला सकता हूँ और ऐसा भी मैं चला सकता हूँ, ठीक है। ऐसा भी मैं चला सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं जो है हाई गेन में ऐसा चला सकता हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं चला सकते दोस्तों। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोग नहीं चला, मैं एक्सपर्ट हूँ, मास्टर दोस्तों उसके ऊपर नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास जो है दोस्तों ये DBX जो है दोस्तों 360 है, ठीक है, 360 है। इसमें मैं कई तरह के जो है दोस्तों फ्रिक्वेंसी चेंजेस कर सकता हूँ। यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर कुछ तरह का है, तो दोस्तों उस हिसाब से हम यहाँ पर प्लस और माइनस कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि दोस्तों इसके ऊपर जो है मैंने 8-9 प्रीसेट बना रखे हैं, ठीक है। DJ के लिए है, और DJ में ओनली फॉर टॉप बुकिंग जाते हैं, लाइव प्रोग्राम के लिए है, ठीक है। और लाइव प्रोग्राम के दौरान बेस नहीं है, मॉनिटर है दोस्तों। इस तरह का क्या कई चीज़ें हैं जो इसके ऊपर मैंने सेव कर रखा हूँ, तो उसके चलते क्या है मैंने इसके ऊपर में क्या दोस्तों कुछ ना कुछ चेंजेस करके मैं बजाते रहता हूँ, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ब्लर करने का तरीका, दोस्तों आप लोग ब्लर क्यों किया वो तो पता चल गया है, फिर भी आप लोग एक दो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान के चलो कि दोस्तों अपना बाइक कुछ होता है कि मेरा वीडियो में आते हैं, इसलिए आते हैं कि कुछ सेटिंग वगैरह क्या दोस्तों सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो वो भाई जो है आते ही, जैसे मान के चलो कि मैंने ऐसा, क्योंकि उस वीडियो में दोस्तों मैंने बोला भी था कि हाई गेन में बजाऊंगा, ठीक है। तो मान के चलो कि दोस्तों मैंने ऐसे बजाए हैं, ठीक है, मान के चलो कि हमने ऐसे बजाए हैं दोस्तों, ठीक है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो अपना जो नया बाई आए हुए हैं, जो डीजे सेटअप जो साउंड बीजे में नए नए उतरे हैं दोस्तों, सेम ऐसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने पर होता क्या है कि वो अपना बहुत कुछ चीज़ें नुकसान करके बैठेगा दोस्तों। उसी चलते मैंने उसके ऊपर ब्लर किया हुआ था। वैसे तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने 5-6 महीने पहले मैं बता चुका हूँ कि इसके ऊपर पंच कैसे क्रिएट करना है, और आपको HF वगैरह जो है कैसे नहीं जलाना है, और कैसे जलता है क्या है, सब वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन दोस्तों ब्लर का रीज़न बस वही था, ठीक है। ब्लर का रीज़न यही था कि अपना जो नया भाई जो आके देखे कॉपी करके अपना कोई सामान खराब ना कर बैठे दोस्तों, ठीक है, यही था और कुछ नहीं था। फिर भी अपना बायलॉग कमेंट किया हुआ था कि ब्लर क्यों किया, तो उसको रीज़न दोस्तों मैंने बोला था कि हाई गेन है, इस चलते मैंने इसको ब्लर किया हुआ दोस्तों, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रीज़न कुछ और था। अभी मैं आप लोग को दोस्तों दिखाने की कोशिश करूँगा कि यदि आप लोग क्या दोस्तों इसको कैसे चलाना है दोस्तों। ये जो है मैं तो बोलूँगा आप लोग किसी को देखे कॉपी मत किया करो, ठीक है, कॉपी मत करो। क्या पता जैसे कि मान के चलो मेरा टॉप में दोस्तों ये जो है मेरा टॉप में 600 वाट का है और 4 इंची वॉइस कॉल है दोस्तों, वो थोड़ा इम्पोर्टेड स्पीकर है। तो इसमें होता क्या कि दोस्तों मैं गलती से मान के चलो कि ये जो है HF को तो मैं ऐसा कर दिया, या मान के चलो ऐसा कर दिया है, और मैंने क्या दोस्तों गाना को मैं ज़्यादा ही हाई कर दिया, मीट को ज़्यादा ही खोल दिया है, फिर मैं बेस को भी अच्छा खासा खोल दिया। तो दोस्तों उसमें होता क्या, उस कंडीशन में मेरा टॉप झेल लेगा, और दूसरा जो है दोस्तों मेरा इस यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग किया हुआ है तो वो भी क्या झेल लेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग का स्पीकर जो दोस्तों नहीं झेल पाएगा, लेकिन इसलिए मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों, ये बेस है, ये मीट है, और आप लोग बता दोस्तों क्या है क्या नहीं है, बता चुका हूँ। फिर मैं आप लोग आज को क्या है थोड़ा प्रैक्टिकल कर मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसलिए क्या वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। अभी हम जो है पिछले बार दोस्तों मैं बजाए थे, तो उसको पहले मैं दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को दोस्तों ये बोलता हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं चलाना, आप लोग का बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरा सेटिंग मैंने आपको बता दिया है मेरा DBX में, और इसमें मैंने काफ़ी कुछ चेंजेस करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोग को नहीं दिखाए थे, लेकिन आज मैं आप लोग को देखो प्रैक्टिकल जो है हाई गेन में बजा के आप लोग को दिखाऊँगा। और मेरा मॉनिटर कौन सा है, ये जो मैं आप लोग पहले ही दिखा देता हूँ कौन सा मैं ले कर रखा हुआ हूँ दोस्तों। ये जो है, ठीक है, ये दो मॉनिटर है दोस्तों, ठीक है, ये दो मॉनिटर है, और ये पॉप का दो जो स्पीकर जो है दोस्तों ये है, ठीक है।
तो आप लोग बोले थे ना कि आपने इसके ऊपर ब्लर क्यों किया क्यों किया, तो उसके ऊपर भी मैंने बता दिया है। लेकिन पहले आप लोगों को मैं बजा कर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैसे आप लोग का अकॉर्डिंग कैसे सेट करना है वो चीज़ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं गाना को करते हैं प्ले, ठीक है दोस्तों। गाना प्ले कर दिया है, अब मैं आप लोगों को उठाता हूँ, ठीक है। ये जो है मैं कैसे बजाया था दोस्तों पिछले बार वो चीज़ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बजाना है आप लोगों को भी, ठीक है, इस तरफ देखना है। बेस पे चल रहा है, ठीक है। दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोग जो है देख चुके होंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोग अभी देख लिया दोस्तों मैं कैसे चलाता हूं और क्यों ब्लर किया हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये जो है ऐसा चलाओगे दोस्तों आप लोग का सेटअप जो है ज़्यादा देर नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से 3 या 4 गाने में आपका टॉप या तो आपका एचएफ फूक जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं ब्लर के रखे हुए थे। और आप लोगों को आपका अकॉर्डिंग कैसे सेट करना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। इसके लिए क्या है, मैं अपना जो है डीबीएफ जो है दोस्तों मैं थोड़ा सेटिंग जो है मैं फ्लैट सेटिंग करके रखा हुआ है जैसे कि प्रैक्टिस के लिए, तो उस प्रीसेट को मैं थोड़ा इंस्टॉल कर लूँ, ठीक है। तब तक मैं आप लोग जो है दोस्तों ये करना, ठीक है, लास्ट तक बने रहना, कैसे क्या सेट करना आप लोग का सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो चीज़ मैं दिखाऊँगा। विदाउट फ्लैट के दोस्तों आप लोग नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं फ्लैट को ही लेके आता हूँ अभी। ओके दोस्तों अभी जो है मैंने कर दिया है फ्लैट, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोस्तों मैं बजाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको उठाते क्या दोस्तों, मेरा भी ये जो है मेरा टॉप बेस तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो फ्लैट है चलते, लेकिन दोस्तों मेरा मोनिटर जो है एचएफ और एचएफ नहीं तो स्पीकर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो वह उस चीज़ को कैसे करना है आपका अकॉर्डिंग वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाना भी चलते रहेगा, गाना 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 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको करना क्या है, ये जो है पहले आपको जीरो कर देना है हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज आपको जीरो कर देना है। और जीरो करने के बाद क्या दोस्तों आपको 25% सबको खोलना है, ठीक है। ये जो है इसको खोलना है 25%, और आपको इसको भी 25% खोलना है, ठीक है। इसको भी आपको 25% खोल देना है पहले, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, 25% हल्का हल्का वॉल्यूम उठाना है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो है मीट जो है दोस्तों काफ़ी अंदर है, तो आपको इसको उठाना है, ठीक है। लेकिन आपका स्पीकर के अकॉर्डिंग, जैसे मैं पहले यहाँ पर उठा रखे थे दोस्तों, ऐसा नहीं उठाना है, आपका स्पीकर के अकॉर्डिंग आपको उठाना है, ठीक है। मैं उसको अंदर कर देता हूँ, फिर मैं प्ले करता हूँ।
है, ठीक है, तो आपको इसको उठाना है, आपका टॉप कितना में झेल सकता है। दोस्तों ये हो गया है मीडियम गेन के लिए, ठीक है, अब मैं थोड़ा गेन को उठा ऊपर उठाता हूँ। क्या हो रहा है यार, ये बार बार बंद क्यों हो रहा है? दोस्तों पहले आप लोग समझ लो, ये जो मीट जो है दोस्तों, मीट को खोलते ही मीट आ जाता है, ठीक है, तो उसको आपको कैसा है उसको खोलना है। जैसे कि मैं ठीक है दोस्तों, अभी आप लोग ये जो दिखाए हैं, ठीक है, ये जो दिखाई है दोस्तों मेरा स्पीकर के अकॉर्डिंग दोस्तों ये मैंने इसे सेट किया हुआ है। आप लोग हेडफोन लगाए सुना है दोस्तों, पता चलेगा होगा कि झनकार आ नहीं रहे थे, इसको उठाया हल्का सा झनकार आया, ठीक है, और जो गाना दोस्तों अंदर थे इसको मैं हल्का सा उठाया फिर गाना भी आ गया। लेकिन ऐसा नहीं कि दोस्तों इसको ज़्यादा उठाओगे, ये जो है दोस्तों चोंगा टाइप हो जाता है। चोंगा टाइप होने से होता क्या है, ज़्यादा चोंगा टाइप होने से आपके HF के साथ साथ आपका नेटवर्क किट जो है दोस्तों जल सकता है, तो उसको क्या आपके हिसाब से उसको उठाना है और कम ज़्यादा करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ पर कर दिया तो दोस्तों आपका जो है, मान के चलो कि इस कंडीशन में आप कॉम्पिटिशन में चला गया तो आपका टॉप जो है उतना खुल के नहीं बजेगा, तो आपको खोलना भी है, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि 3.5 इंची से लगे 4 इंची बॉयस कॉलर है दोस्तों, आप इसको जो है 50% तक रखो, और आपके इसमें आपके HF के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका HF 450 है या 518 है, तो दोस्तों ठीक है, तो 518 है तो दोस्तों मैं इतना ये नहीं बोलूँगा कि हाई गेन में आप यहाँ तक दो, ठीक है, आप हल्का सा थोड़ा सा कम कर सकते हो 0 dB से, ठीक है दोस्तों। तो उसे होता है कि जो HF थोड़ा कमज़ोर होता है दोस्तों, इसको अपना मीट खोल से होता क्या है थोड़ा बहुत जलने का खतरा थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया, उसके बाद HF जो है दोस्तों कैसा करना है आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएं। और मेरा सेटिंग दोस्तों पहले ऐसा था, ठीक है, जो है मेरा सेटिंग ऐसा था, क्योंकि मेरा सेटिंग ये था दोस्तों, ठीक है, तो ऐसा आप कॉपी नहीं करना है। मेरा बोलने का मतलब ये है आपको अकॉर्डिंग सेट करना है। मैंने पहले क्या बताया दोस्तों, 25% आपको ऐसा करके रखना है, फिर आपको गेन उठाना है, ठीक है। ये जो मैं दोस्तों बताए हैं ये मीडियम गेन तक मैंने आप लोगों को बताए हुए, ठीक है, मीडियम गेन जो है, हाई गेन में आने के लिए दोस्तों सिखाने से भी कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन खुद तब आपको पता चलेगा जब आपका स्पीकर या तो HF जब जल जाता है, उसी पॉइंट पे बार बार आने पर जल जाता है, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ किसी को बोलने से आप हाई गेन नहीं सेटिंग नहीं कर सकते, काफ़ी कुछ नुकसान होने के बाद दोस्तों हाई गेन का सेटिंग पता चलता है, ठीक है। तो मान के चलो कि आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी आप जाओगे, ठीक है, वो सिखाएगा आपको हाई लेवल का सेटअप के ऊपर, और आपका आ जाता है नॉर्मल लेवल का सेटअप दोस्तों, उसमें क्या सेटिंग दिन और रात का अंतर होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कुछ खर्च करने के बाद ही आपको आपका हाई गेन पता चलेगा। जो चीज़ मैंने बताए हैं वो मीडियम गेन के ऊपर आप लोग को बताए हैं, तो दोस्तों ठीक है। तो वीडियो में आप लोग दोस्तों देख के कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर जरूर बताना। मैंने ये जो है दोस्तों शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश किया, लेकिन अभी जो है इसी में ही मेरा 8-9 मिनट चला गया है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो में अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना, और इसी पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।